नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे, यदि आप उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत यदि आपने UG कोर्स कर रखा है, यानी कि BA BSc BCom कर रखा है और आप PG में एडमिशन लेना चाहते हैं सत्र 2024 में, MA MSc MCom में, तो उस स्थिति में दोस्तों आप जो ऑनलाइन प्रवेश के 2024-25 के आवेदन है वो कैसे फिल करोगे, इसमें आपको क्या दस्तावेज लगेंगे, संपूर्ण जानकारी हम आपको आगे वीडियो में विस्तारपूर्वक स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत 2024-25 में यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन PG यानी कि MA MSc MCom में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके जो कॉलेज के एडमिशन है PG के वो चालू हो चुके हैं। हमें एडमिशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले eprovesh.mponline.gov.in ये वाले पोर्टल पर आना है। ये वाले पोर्टल की लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां से आप डायरेक्ट ये वाले पोर्टल पर आकर आप अपना आवेदन फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों, यहां पर ई प्रवेश है तो समय सारणी भी आप चेक कर लें कि PG की कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक इसके आवेदन फॉर्म फिल होंगे और कब इसकी लॉटरी सिस्टम लगेगी। उसके बाद में दोस्तों, यहां पर हमने आपको पिछले वीडियो में जानकारी दी थी कि आप UG के जो फॉर्म है वो कैसे फिल करोगे, तो वो वाले वीडियो की लिंक भी ये वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ताकि आप अपना UG का फॉर्म यदि आप BA BSc BCom अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना चाहते हैं उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे PG यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट आफ्टर ग्रेजुएशन, यानी कि ग्रेजुएशन के बाद में आपको PG करना है तो उसके जो आवेदन फॉर्म भरने के लिए आपको सिंपल से रजिस्ट्रेशन वाली ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको डैशबोर्ड दिखेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म पोस्ट ग्रेजुएशन, जो कि 2 मई 2024 से चालू हो गए और 21 मई 2024 इसकी अंतिम दिनांक रहेगी। उससे पहले दोस्तों, यहां पर आपको कॉलेज हेल्प सेंटर एंड लीड का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना, और सेकंड वाला जो ऑप्शन दिख रहा है कॉलेज एंड कोर्स डिटेल, इस पर क्लिक कर आपको जो भी कॉलेज और कोर्स करना है वो कॉलेज का कोड और कोर्स कोड यहां से आप पहले एंट्री कर ले, उसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। जब आप अपना कॉलेज कोर्स कोड नोट कर लोगे, उसके बाद में जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे, जो चॉइस फिलिंग होगी उसमें आपको यही कॉलेज कोड और कोर्स कोड की आवश्यकता रहेगी। तो हम यहाँ पर दोस्तों न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ समय लेगा और कुछ इस तरीके से हमें डैशबोर्ड दिखेगा। PG कोर्स में प्रवेश हेतु राज्य विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश APSU BU CUC DAVV GYG BCMU प्रदत्त द्वारा जानकारी के अनुसार अकॉर्डिंग द इंफॉर्मेशन, इसके अनुसार आपका आवेदन फॉर्म फिल होगा। उसके बाद में राज्य विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय में नामांकन है क्या, यदि है तो यस को सिलेक्ट करना है। जैसे आप यस को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको पूछा जाएगा लास्ट एनरोलमेंट स्टेट यूनिवर्सिटी, आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने UG कर रखा है उसका आपको यूनिवर्सिटी का नाम देना है। उसके बाद में जो भी नामांकन नंबर है नामांकन नंबर देना है, कैंडिडेट का नाम देना और सिंपल से गेट डिटेल पर आपको क्लिक करना है। यदि आप मध्य प्रदेश को छोड़कर अन्य स्टेट के यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो नो को सिलेक्ट करें, उसकी जानकारी दें, और यदि आप मध्य प्रदेश के जो कॉलेज दिखा रहे इनसे यदि आपने किया है तो आपको यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर जो भी यूनिवर्सिटी उसका चयन कर ले। उसके बाद में एनरोलमेंट नंबर और कैंडिडेट का नाम देकर गेट डिटेल पर क्लिक करें। जैसे आप जानकारी देकर गेट डिटेल पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से पुनः डैशबोर्ड दिखेगा। आवेदक द्वारा प्रदत्त ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी देवी अहिल्या विश्व इंदौर इंदौर ग्रेजुएशन एनरोलमेंट नंबर तथा नाम यहाँ पर आपको दिखेगा। मिलान हुआ है तो हुआ है लिखा होगा, यदि आपने जानकारी गलत फिल करी होगी तो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ दिखेगा। तो जो भी है वो यहाँ पर आपको देखना है। उसके बाद में आपको सिंपल से प्रोसेस टू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, यदि आपकी जानकारी मिलान होती है। उसके बाद में दोस्तों, जो भी आवेदक का पूरा नाम है वो यहाँ पर आपको देना है, कन्फर्म पूरा नाम टाइप करना है, माता का नाम देना है, पिता का नाम देना है। उसके बाद में जन्मतिथि देनी है, जन्मतिथि पुनः देनी है। उसके बाद में जेंडर का चयन कर लेना है, जेंडर का पुनः चयन करना है। उसके बाद में धर्म का चयन करना है। उसके बाद में ब्लड ग्रुप, तो जो भी आपका ब्लड ग्रुप है उसको सिलेक्ट करें, अन्यथा नॉट नाउ को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में वैवाहिक स्थिति, सिंगल, मेरिड, जो भी है उसका आपको चयन कर लेना। यदि आप मेरिट का चयन करते हैं तो यहाँ पर जो है दोस्तों आगे आपको जानकारी पूछी जाएगी। फीमेल की अवस्था में आपके पति का नाम पूछा जाएगा और मेल की अवस्था में कुछ नहीं, तो जो भी उसका आपका चयन कर ले। उसके बाद में ईमेल आईडी देनी है, मोबाइल नंबर देना और सिंपल से वेरीफाई मोबाइल नंबर पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई मोबाइल पर क्लिक करोगे तो आपने जो मोबाइल नंबर यहाँ दोगे उस पर एक OTP आएगी, तो जो भी आपने मोबाइल नंबर दिया था जिस पर जो भी वेरीफिकेशन कोड आया वो वेरीफिकेशन कोड यहाँ पर आपको देना है। यदि वेरीफिकेशन कोड नहीं आता है
तो रिसेंट वेरीफाई कोड पर क्लिक कर अपना वेरिफिकेशन कोड पुनः मंगवा सकते हैं। और आगे है तो जो भी कोड आया है वो यहाँ पर आपको देना है, सिंपल से वेरीफाई पर आपको क्लिक करना। जैसे आप जानकारी देकर कोड देकर वेरीफाई पर क्लिक करोगे, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट करने का बोला जा रहा है। तो जो भी आपको पासवर्ड अच्छा लगे, जो भी उचित लगे, वो पासवर्ड यहाँ पर आप क्रिएट कर ले। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर जो भी कैप्चा कोड दिख रहा है वो कैप्चा कोड यहाँ पर आपको देना है। तो पासवर्ड कैसे बनाना है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई, इसके अनुसार आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर ले। जब तक आप अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं करोगे, पासवर्ड नहीं बनाओगे, तब तक आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट नहीं किया जाएगा। तो आप अपना जो भी पासवर्ड है पासवर्ड क्रिएट कर ले, कैप्चा कोड दे और सिंपल से आपको 7 नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप 7 नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा। साथ ही दोस्तों ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपने जो मोबाइल नंबर दिया था उस पर SMS के माध्यम से भी आपको भेज दिया जाएगा। उसके बाद में कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करनी, तो सबसे पहले राष्ट्रीयता इंडिया को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में जो भी आपका पता है पूरा पता यहाँ पर देना है, जिसमें मकान नंबर, गली, मोहल्ला, गांव यहाँ पर टाइप करें, क्षेत्र, कॉलोनी, तहसील यहाँ पर टाइप करें, शहर यहाँ पर आपको टाइप करना है। उसके बाद में आपको जिला टाइप करना है जिस भी जिले के निवासी है, जो भी पिन कोड है वो पिन कोड यहाँ पर आपको देना है। और उसके बाद में दोस्तों यदि आपका जो वर्तमान पता, पत्राचार का पता और स्थायी पता सेम है तो चेक बॉक्स पे आप क्लिक करें, आपका पता सेम हो जाएगा। और आप अलग अलग देना चाहते तो अलग अलग टाइप करें। उसके बाद में वैकल्पिक मोबाइल नंबर यदि आप देना चाहते तो दें, अन्यथा छोड़ दें। उसके बाद में आपको सिंपल से 7 नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप 7 नेक्स्ट पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ID, तो ये जो ABC ID है ये यहाँ पर आपको देना अनिवार्य है। यदि आपकी ABC ID नहीं बनी तो हमने पिछले वीडियो में जानकारी दी थी कि आप ABC ID कैसे बनाओगे, तो वो वाले वीडियो की लिंक भी ये वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ताकि आप अपनी ABC ID यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट में ID बना ले और उसके बाद में आपको जो आवेदन फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि आपकी ABC ID नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको ABC ID बना लेनी है। ABC ID का जो भी आपका ID नंबर है वो यहाँ पर देना और गेट डिटेल पर आपको क्लिक करना। जैसे आप गेट डिटेल पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपकी ABC ID के अनुसार यहाँ पर आपका जो भी डाटा है वो यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी यस को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में यदि आप अल्पसंख्यक में आते तो माइनॉरिटी को सिलेक्ट करें, अन्यथा नॉन माइनॉरिटी को सिलेक्ट करें। उसके बाद में मध्य प्रदेश के मूल निवासी का जो भी मूल निवासी प्रमाण पत्र है आपको देना अनिवार्य है। तो जो भी आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र नंबर है डिजिटल वो यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद में समग्र ID देना है। उसके बाद में क्या आपके पास वोटर ID है, यदि है तो यस को सिलेक्ट करें, अन्यथा नो को सिलेक्ट करें। उसके बाद में क्या BPL है, यदि BPL है तो यस को सिलेक्ट करें, उसकी जानकारी दें, अन्यथा नो को सिलेक्ट करें। उसके बाद में विधानसभा जिला, जो भी आपका विधानसभा जिला उसको आपको चयन कर लेना है। उसके बाद में विधानसभा क्षेत्र जो भी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर ले। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर MPTAS प्रोफाइल ID आपके पास यदि है तो वो दे, अन्यथा इसको छोड़ दे। उसके बाद में स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको श्रेणी का चयन कर लेना, आप जिस भी श्रेणी में आते श्रेणी का चयन कर ले, पुनः श्रेणी का चयन करें। यदि आप OBC का चयन करते तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन खुलकर आएगा, क्या आवेदक के परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख से अधिक है, यदि है तो यस को सिलेक्ट करें, अन्यथा नो को सिलेक्ट करें। यदि आप ST SC कैटेगरी का चयन करते हैं तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट जाति प्रमाण पत्र पूछा जाएगा, लेकिन OBC का चयन करोगे तो जो भी दोस्तों आपके OBC के अनुसार यहाँ पर आय का पूछा जाएगा, तो यदि है तो यस को सिलेक्ट करें, अन्यथा नो को सिलेक्ट करें। उसके बाद में ऑनलाइन स्थायी जाति प्रमाण पत्र, जो भी आपका डिजिटल जाति प्रमाण पत्र है वो प्रमाण पत्र नंबर यहाँ पर देना है। उसके बाद में वार्षिक आय देनी, जो भी आपकी वार्षिक आय आय प्रमाण पत्र में वो दे। उसके बाद में क्या आप दिव्यांग, यदि विकलांग है तो यस को सिलेक्ट करें, अन्यथा नो को सिलेक्ट करें। उसके बाद में संवर्ग का चयन करना है, सैनिक, फ्रीडम फाइटर, जनरल आर्म्ड फोर्स, हायर एजुकेशन एम्प्लॉय यदि है तो सिलेक्ट करें, अन्यथा नॉन को सिलेक्ट करें। उसके बाद में यदि आपके पास खेलकूद, कला, संस्कृति, NCC सर्टिफिकेट है तो इनमें से जो भी उसका चयन करें, अन्यथा कोई नहीं को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको सिंपल से 7 नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप 7 नेक्स्ट पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल पूछी जाएगी, तो यहाँ पर सबसे पहले कक्षा 12वीं की जानकारी देनी है और उसके बाद में यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन की जानकारी। तो सबसे पहले आपको पास है या, तो यहाँ पर पास्ड को सिलेक्ट करना कक्षा 12वीं की जानकारी में। उसके बाद में कब आपने पास करी, उसका ईयर देना है, विषय समूह क्या था वो यहाँ पर आपको देना है, रोल नंबर क्या था वो रोल नंबर यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद में मंडल कौन से बोर्ड से आपने कक्षा 10वीं 12वीं करी है बोर्ड का चयन कर लेना, जिस भी बोर्ड से आपने 12वीं करी बोर्ड का चयन कर ले। उसके बाद में स्क्रॉल करके नीचे आना है। द्वारा स्नातक का विवरण, तो यहाँ पर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार मिलान किया गया, तो यहाँ पर अंतिम सेमेस्टर जो है आपका पास्ड है या सप्लीमेंट्री ईयर, प्रवेश ईयर आपका रिजल्ट है, विथहेल्ड है यानी कि रुका हुआ है, तो जो भी है उसका आपको चयन कर लेना है।
तो यदि पास है तो पास को चयन करें, पास डे और प्रीवियस ईयर में यदि एटीकेटी है तो यहाँ पर ये वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करें, और सप्लीमेंट्री है तो सप्लीमेंट्री वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है, यानी कि अंतिम वर्ष में स्नातक अंतिम वर्ष में अध्ययनरत छात्र भी इसमें आवेदन कर सकता है। तो जो भी है उसका आपको चयन कर लेना है, उसके बाद में पासिंग ईयर यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो भी विषय ग्रुप है वो यहाँ पर आपको जो भी आपने कर रखा ग्रेजुएशन वो यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद में नामांकन नंबर जो भी दोस्तों आपका आपने रजिस्ट्रेशन के समय दिया था वो दिखेगा। ये जो है दोस्तों डेमो नामांकन नंबर है, इससे किसी का ओरिजिनल नामांकन नंबर नहीं, इसलिए आप अपना नामांकन नंबर जो भी देंगे वो यहाँ पर दिखेगा। उसके बाद में यूजी कोर्स उत्तीर्ण योग्यता विश्वविद्यालय, कौन से विश्वविद्यालय से आपने यूजी कर रखा है उसका चयन करना है। नामांकन विश्वविद्यालय जो आपने आवेदन करते समय लिया था वो यहाँ पर दिखेगा। उसके बाद में ग्रेड या परसेंटेज जो भी है उसका आपको चयन कर लेना है। तो यहाँ पर आपको कुल प्राप्तांक जो भी है वो यहाँ पर आपको देना है, और जो पूर्णांक है वो यहाँ पर आपको देना है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों आपको पूर्णांक और प्राप्तांक जो भी दोगे वो यहाँ पर दोगे तो आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद में जो भी परसेंटेज है वो यहाँ पर पुनः देना है। क्या आप स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण यदि है तो यस को सिलेक्ट करें, उसका विषय समूह दे, अन्यथा नो ऑटोमेटिक रहेगा। उसके बाद में कैरियर संभावना, तो आप जो है दोस्तों ये डिग्री के साथ साथ में आपकी क्या कैरियर संभावना है, आप बिजनेस करना चाहते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए आवेदन गवर्नमेंट सर्विस के लिए करना चाहते हैं, या प्राइवेट जॉब के लिए, या स्टार्टअप, जिस जो भी आपको उचित लगे, आपका जिसमें भी आपका कैरियर अच्छा आपको लगता है, जो भी आपको आगे जाके करना है उस वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में रुचि क्षेत्र जो भी रहेगा ये खुलकर आएगा, उसके अनुसार आपको अपना रुचि क्षेत्र सिलेक्ट कर ले, और उसके बाद में सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना। जैसे आप जानकारी देकर सेव नेक्स्ट पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन नया खुलकर आएगा, वन स्टेप अप पीजी ओनली फॉर गवर्नमेंट टीचर। क्या आप वन स्टेप के अंतर्गत आते हैं, यानी कि आप गवर्नमेंट कर्मचारी, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और आप पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी करना चाहते हैं, तो उस स्थिति में दोस्तों यदि गवर्नमेंट कर्मचारी है, गवर्नमेंट टीचर है और आप पीजी करना चाहते हैं तो ये वाले ऑप्शन को यस को सिलेक्ट करना है। यस को सिलेक्ट करने के बाद में जो भी आपका विभाग के द्वारा जो भी एनओसी शिक्षा विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र यस को सिलेक्ट करना है, और जो भी अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश कर्मचारी क्रमांक जो भी एम्प्लॉय कोड है वो दे, आवेदक के विद्यालय का डाइस कोड देना है, आवेदक विद्यालय का स्कूल का प्रकार यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद में आपको सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है, और यदि आप गवर्नमेंट टीचर नहीं है अभी आप तैयारी ही कर रहे हैं तो नो को सिलेक्ट करना है और सिंपल से सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो जो भी है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर ले, उसके बाद में सेव नेक्स्ट पर जैसे हम क्लिक करेंगे उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमें फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो जो भी आवेदक की फोटो है 100 KB से कम की JPG फाइल में इसकी फोटो अपलोड करें, और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद में आपको सिंपल से सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप जानकारी देकर सेव नेक्स्ट पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर दस्तावेज अपलोड करने का बोला जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले कक्षा 10वीं की मार्कशीट अपलोड करना है, उसके बाद में ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करना है, उसके बाद में मूल निवासी प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड करना है, उसके बाद में OBC है तो इनकम सर्टिफिकेट, और ST SC में आते तो इनकम सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं रहेगी। उसके बाद में आपका जो भी जाति प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर स्कैन कर आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है, अपलोड वाली ऑप्शन पर क्लिक कर अपनी फाइलें अपलोड करना है, जो कि आपको 125 KB से कम की JPG फाइल अपलोड करना है। तो जैसे आप अपनी फ़ोटो, जो भी आपकी मार्कशीट जो भी है, ग्रेजुएशन 10th की मार्कशीट, मूल निवासी, OBC, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे आप अपलोड कर लोगे उसके बाद में आपको सिंपल से सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव नेक्स्ट पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों आपका आवेदन जो प्रोसेस एंड लॉग रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन यानी कि लास्ट वाले ऑप्शन में चला जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आवेदक दस्तावेजों के सत्यापन के लिए शासकीय महाविद्यालय हेल्थ सेंटर जाने की आवश्यकता नहीं है, शासकीय महाविद्यालय द्वारा दस्तावेजों का ई सत्यापन किया जाएगा। यानी कि जो आपने आवेदन फॉर्म फिल किया है तो आपके जो भी दस्तावेज सत्यापन करवाना है वो आपको कई कॉलेज है जो भी हेल्प सेंटर वहाँ पे जाने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक आपके जो भी दस्तावेज है वो ऑटोमेटिक सत्यापन होंगे। आपके दस्तावेज सत्यापन होने का जो भी जानकारी आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर SMS के माध्यम से भेज दी जाएगी। साथ ही आपको जो दस्तावेज सत्यापन की रसीद है वो हम आपको अगले वीडियो में जानकारी देंगे कि आप अपने दस्तावेज सत्यापन की रसीद कैसे डाउनलोड करोगे। उसके बाद में दोस्तों ये जानकारी अच्छे से मिलाने हैं, उसके बाद में स्क्रॉल करके सबसे नीचे आना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको एक प्रोसेस टू पे रजिस्ट्रेशन फीस का ऑप्शन दिख रहा है, तो सिंपल से इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो आप यदि MP ऑनलाइन कियोस्क संचालक है तो अपने MP ऑनलाइन के यूज़र ID पासवर्ड से इसका पेमेंट भुगतान कर ले, और आपके पास MP ऑनलाइन नहीं है तो आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI जिससे भी इसका पेमेंट भुगतान करना है पेमेंट भुगतान कर ले। पेमेंट भुगतान करने के बाद में जो रसीद आपको प्राप्त होगी उसको आपको सुरक्षित संभाल कर अपने पास रख लेनी है।
जब तक आप इसका पेमेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पेमेंट भुगतान नहीं करोगे तब तक आप इसका चॉइस फिलिंग भी नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले आप इसका रजिस्ट्रेशन का जो भी पेमेंट इसका भुगतान कर ले, उसके बाद में हमें चॉइस फिलिंग करना है तो हमें पुनः होम पेज पर आना है। और यहाँ पर दोस्तों लास्ट में चॉइस फिलिंग ओनली फॉर रजिस्टर्ड कैंडिडेट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको आवेदन नंबर, जन्म तिथि और जो पासवर्ड आपने बनाया वो पासवर्ड यहाँ पर आपको देना है, कैप्चा कोड देना है, व्यू डिटेल पर आपको क्लिक कर अपनी जानकारी चेक करनी है। उसके बाद में दोस्तों जो भी कॉलेज और कोर्स कोड आपने नोट किया था उसके ऑप्शन खुलकर आएगा, तो जिस भी फ्रिक्वेंसी में आपको जो भी फर्स्ट पे जो कॉलेज लेना है, जो कोर्स लेना है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से आप 10 कॉलेज और 10 कोर्स कोड का चयन कर सकते हैं। जो भी आपकी फ्रिक्वेंसी आपको लेना उसके अनुसार आप अपने कोर्स कोड और कॉलेज कोड दे और उसके बाद में उसको लॉक कर उसकी भी रसीद प्रिंट कर ये जो रसीद रहेगी आपकी जो रजिस्ट्रेशन की उसके साथ में आपको लगाना रहेगा। तो दोस्तों इस तरीके से उच्च शिक्षा विभाग में यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि पीजी जो MA MSc MCOM यदि आप करना चाहते हैं और उसके जो रजिस्ट्रेशन है यानी कि पीजी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन के जो आवेदन फॉर्म है वो आप इस तरीके से ऑनलाइन कर घर बैठे कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना, हम किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स करना, हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और हमें सपोर्ट करना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।